नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? यूपीपीसीएस एपीएस के इस बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने मित्र अभी तक जुड़ गए हों, सभी लोग का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। और इस पूरे बैच में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत व्यापक रूप से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत हाइब्रिड मोड में हम चीज़ों को लेके चलने वाले हैं और आपकी परीक्षा तक, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा के ही दम लेने वाले हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। आज मैं इस सेशन में इतना ही, इस बात की तो चर्चा नहीं करूंगा वैकेंसी कितनी अच्छी है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं। आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूं तो कोर्स का संचालन कैसे होना है, कैसे आपको तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं, पहली बात। दूसरी बात, किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं या शुरुआत करते हैं, तो आपको उसके प्रॉन्स कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसके इफ एंड बट के बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखा जाए तो ये स्टेनो की एक परीक्षा है। स्टेनो की परीक्षा कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है कि जो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं वो हैं जिनको स्टेनो आती है। स्टेनो एक स्किल है और ये स्किल 3 4 महीने 2 महीने में डेवलप नहीं होती है। मिनिमम 12 महीने तो लग ही जाते हैं एक बच्चा जो बहुत समय देता है, बहुत कंटिन्यूटी के साथ सीखता है वो, वरना कईयों को 2 2 3 3 साल भी इसमें एक्सेलेंस लाने में लग जाते हैं। फिर भी मैं एक एवरेज टाइम लेके चलूँ तो 12 से 15 महीने लगते हैं बच्चों को स्टेनो सीखने में। और जो बच्चे स्टेनो सीखे हुए हैं उनके लिए ये जॉब किसी कलेक्टर के जॉब से कम नहीं है। एपीएस नामी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, और यहाँ पे सेक्रेटरी नाम लेगा लिया जाए तो उससे ऐसे बोलो सचिव का नाम लो, और सचिव आप समझ रहे हो कि यहाँ पे सचिवालय से संबंधित है, गेस्टेड ऑफिसर है, 4800 ग्रेड पे है और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन सुनने में जितना अच्छा लगता है आपकी तैयारी उतनी ही कठिन है, आपकी तैयारी उतनी ही कठिन है जितना अच्छा लगता है ये सोच के कि हमारा चयन हो जाए, एपीएस निकल जाए, हम एक अफसर बन के बैठे, सचिवालय में बैठे, सेक्रेटरी रहें और बहुत तमाम सारी चीज़ें। पहली बात तो सैलरी बहुत अच्छी है, दूसरी बात रुतबा बहुत अच्छा है। एक अभ्यर्थी वर्ग को ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरी बात, जब इतना आने लगता है तो उसकी इच्छाएँ बढ़ने लगती है और इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं लगती है। जैसे मैं बोलूँ तो फिर इंसान जब 1 नंबर कमाने लगता है तो 2 नंबर में आता है, ऊपर ही कितना कमा लेगा, सुविधाएँ क्या क्या मिल जाएंगी, तमाम चीज़ें होती हैं, ब्ला ब्ला। बट हम अभी केवल 2 पॉइंट पर बात करेंगे कि एक तो आपकी 4800 ग्रेड पे की नौकरी और रुतबा बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राह कठिन है। राह कठिन का भी कारण ये है कि आपका जो पेपर करार है ना, उसके सामने जो लगा हुआ है आयोग का नाम, वो आयोग का नाम है यूपीपीएससी। ये मैं आपको जो इमेजेस हैं मेरे पीछे, ये आपके सिलेबस की हैं। सिलेबस से अगर आप लोग रूबरू नहीं होंगे तो मैं उसको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि आप जिसकी तैयारी करने जा रहे हो वो परीक्षा कौन करवा रहा है, यूपीपीसीएस करवा रहा है। तो आप इसे इतना आसान नहीं समझोगे। आसान समझने का मतलब ये है कि चाहे सामान्य अध्ययन का बात हो या फिर हिंदी की बात हो, दो पोर्शन इसमें पूछेगा। यहाँ पे मैं एपीएस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दो पोर्शन पूछेगा। एक तो आपका सामान्य अध्ययन, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में जीएस लिख सकता हूँ, दूसरा है हिंदी, ठीक है, दूसरा क्या है, हिंदी है। और क्योंकि ये परंपरागत है, परंपरागत है मतलब कि सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मतलब बोलो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इसका नेचर है, ये है परंपरागत है, कन्वेंशनल टाइप है, क्या है, कन्वेंशनल टाइप। और इसका मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, लिखना है। होता क्या है, ये परीक्षा अन्य परीक्षाओं से अलग क्यों हो जाती है, या आप ऐसे समझो कि यूपीपीएससी तमाम पोस्टों के लिए परंपरागत पेपर क्यों करवाता है। क्योंकि एक बात समझिएगा, जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो ना भाई, वो पोस्ट आपके इंटेलिजेंस के साथ साथ आपके नॉलेज, और आपके नॉलेज के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा परखता है वो होता है धैर्य। तो एक बात समझना, ये शब्द मैं आपको बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ इस बोर्ड में बहुत गहराई है, ये धैर्य शब्द ही बहुत गहरा है। तो आपको बहुत धैर्य रख के इसकी तैयारी करनी है। वो परंपरागत पेपर इसलिए करवाते हैं कि ये जांच पाए कि आपके अंदर धैर्य कितना है, ये भी जांच पाए कि आपके अंदर मौलिकता क्या है। मौलिकता कहने का मतलब हो गया, मौलिकता से मेरा तात्पर्य है कि आपका अपना क्या है, अपना। जैसे इन्होंने जब भी परंपरागत करवाते हैं तो ये निबंध करवाते हैं, निबंध है ना,
निबंध के बारे में भी मैं आपका एक स्पेशल सेशन लूंगा, बट इस क्लास के स्टार्ट कर रहा हूँ, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो एक मोटा मोटा हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब हम इसकी तैयारी करने जा रहे हैं तो हमें किस हिसाब से अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो जब निबंध आपसे पूछते हैं तो निबंध पूछने मतलब क्या है, निबंध में बहुत विभिन्न विषय होते हैं, उसमें जीएस के कुछ आर्ट साइड वाले विषय भी होते हैं, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, या फिर आपके सबसे ज़्यादा सामाजिक से चीज़ें पूछ लेते हैं, या साइंस टेक से पूछ लेते हैं, या फिर आपके जो समसामयिक विषय होते हैं उनसे प्रश्न आपके निबंध में रहते हैं और उनके बारे में आपको लिखना रहता है। अब लिखना दो प्रकार है, निबंध जब हम छोटे थे, ऐसा नहीं आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो निबंध ना लिखा हो। निबंध में जैसे बात किया जाए तो गाय पे निबंध लिखे, गाय हमारी माता है ना, गाय के चार पैर होते हैं, गाय की एक पूँछ होती है, गाय की दो आँखें होती है, दो सींग होती है, मौका आने पे सींग मार भी देती है, ये तमाम चीज़ें हम लोग निबंध में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे निबंध लिखने का तरीका होता था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम एक जगह पढ़ के और दूसरे को डिस्क्रिप्टिव वे में करते थे, लेकिन यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब केवल आप डिस्क्राइब नहीं, फीचर्स आप नहीं बताओगे, यहाँ पे आपकी अपने मौलिकता होनी चाहिए, मतलब आप अपने हिसाब से क्या सोच रहे हो। एक होता है कि आप कहीं से रट के आओ और वही चीज़ आप टीप दो, वो तुरंत एग्जामिनर समझ जाएगा नहीं आप टीपने वाले हो, आप इसके लिए नहीं बने हो। और इसमें जो आपका वर्क प्रोफाइल है, जैसे आशीष सर ने एक वीडियो भी अपलोड किया होगा, आपने देखा होगा कि इसमें आपको क्या होता है कि तमाम रिपोर्टें होती हैं उनको जांचना होता है, उन पर डिसीजन लेना होता है, सरकार के और ब्यूरोक्रेट्स के बीच का एक आपको हिस्सा बनना पड़ता है और उनके बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना होता है, उनको सोचना होता है, अपना तर्क लगाना होता है, उनकी समीक्षा करनी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको इस कार्य के लिए परंपरागत पेपर करवाने के लिए मजबूर कर देती है। अब जब मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होते हैं तो उसमें होता क्या है कि सपोज करिए आप किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ते हुए आपने भूगोल का ही कोई विषय ले ले या विज्ञान का कोई विषय ले ले या फिर इतिहास का ले ले, कोई भी टॉपिक ले लो, उनमें होता क्या है कि जैसे अभी सपोज करो कि आप दर्रे पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ लिया कि ये दर्रा यहाँ, ये दर्रा यहाँ है, ये दर्रा यहाँ है, अब एग्जैक्टली उसका नाम दिमाग में नहीं बिठा रहे हो या उसकी पोजिशन मैप एकदम दिमाग में नहीं बिठा रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे हिंदी, और एक चीज़ और समझ रहा हूँ, हिंदी में ही कन्वेंशनल क्यों हो रहा है, जीएस में इतना क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल है वहाँ से आपका बहुत वास्ट नॉलेज जरूरत नहीं है, आपका जो पत्रों का आदान प्रदान ही सबसे बड़ा कार्य है आपका, और उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। वर्तनीय शुद्धि हो गई, उसका फॉर्मेट हो गया पत्रों में, जैसे पत्र पे भी आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जब कोई चीज़ होती है आपको कई बार खुद से ही पत्र लिखने पड़ेंगे, खुद से ही सूचनाएं बनाने पड़ेंगे, खुद से ही निर्देश करना देना पड़ेगा, है ना, खुद से ही जो बोर्ड हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में आपको क्या बनना पड़ेगा, एक पहलू बनना पड़ेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको अपना हस्तलिखित होगा, आपको खुद बैठ के वो करवाना पड़ेगा। इस कारण से आप में वो पारंपरिक तरीके से पूछ रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हो क्या आप उसे सही सही तो पढ़ रहे हो, एक होता है वर्बली और कि ऑप्शन देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा, आपको ऑप्शन देख के याद आने से काम नहीं बनेगा, इस कारण से आपका क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव होता है तो ये मांगता है आपका अभ्यास, अगर कोई पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया तो ये क्या मांगता है, ये मांगेगा आपका अभ्यास। नॉलेज ऐसा नहीं है, नॉलेज तो जरूरी है ही है, नॉलेज तो आपका जरूरी है, बिना नॉलेज के तो आप इसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपका अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्लियर, तो इस कारण से आपका क्या होता है, इस कारण से आपका परंपरागत पेपर पूछेगा, और परंपरागत पेपर पूछेगा तो मैंने आपको बोला जैसे इसकी क्या है, राह कठिन है, इसकी राह क्या है, कठिन है, और राह कठिन है इसका मतलब ही हो गया कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। होता क्या है, जैसे हिंदी को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी इग्नोर करने वाला विषय नहीं है, हिंदी में सबसे ज़्यादा जान डालने वाला विषय, हम सबसे पहले बात करेंगे आपका पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, आपका पाठ्यक्रम क्या है, और पाठ्यक्रम ही बताएगा कि हमें किस लेवल की मेहनत करनी है। जैसे ये देखो, एक तरफ अगर मैं आपके जीएस के पाठ्यक्रम की चर्चा करूं तो जीएस के पाठ्यक्रम में इन्होंने 10 पॉइंट दिया है, 10 पॉइंट में एक चीज समझना, ये 10वां पॉइंट आपका जीएस नहीं है, ये मैथ्स सिंपल एप्टीट्यूड है जो आपके इंटेलिजेंस को थोड़ा बहुत चेक करेगा, और कहने को ये अरिथमेटिक लिख दिया, कई बार इसमें एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का भी डाल देता है, बट अरिथमेटिक लिखा है तो ज़्यादा हमारा अरिथमेटिक ही होगा। अरिथमेटिक मतलब अंकगणित, अंकगणित मतलब जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इन सबसे प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपका जो विषय है ये सामान्य अध्ययन का विषय है, जिसमें एब्रीविएशन भी क्या है, ये कंप्यूटर का विषय है, अधिकतर सब नहीं, सब कुछ नहीं,
क्योंकि अधिक कंप्यूटर बोल दो और स्कीम बोल दो, बस अगर ये दो शब्द लगा दिए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एब्रिविएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बचते हैं बीच के आठ, और बीच के आठ में चार टॉपिक आपकी ऐसी हैं जो पारंपरिक हैं, जो परंपरागत हैं, जैसे भूगोल हो गया, जैसे आपका इतिहास हो गया, जैसे आपका क्या हो गया राज्य व्यवस्था हो गया, और आपका विज्ञान हो गया। चार में से कौन कौन सा, एक विज्ञान हो गया, एक भूगोल हो गया, एक आपका राज्य व्यवस्था हो गया, और एक आपका इतिहास हो गया। ये जो चार विषय हैं, ये चार विषय आपके क्या हैं, परंपरागत हैं, जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछते आते हैं। बाकी जो चार विषय हैं, जैसे कि अगर आप देखो फेमस बुक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट सिटीज हो गया, मेमोरियल्स बिल्डिंग्स हो गए, है ना, वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में, और इंपॉर्टेंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल, मतलब कि करंट अफेयर्स, इसे आप करंट अफेयर्स बोलोगे। इन एक दो तीन टॉपिक को देखा जाए, चार टॉपिक को, तो ये चार टॉपिक आपके क्या हैं, ये डायनेमिक टॉपिक है, स्टैटिक नहीं है, परंपरागत नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। आपके जैसे जैसे आपके नए स्कीम्स आती हैं उनके फुल फॉर्म, कंप्यूटर में नई टर्मोलॉजीज आती हैं उनके फुल फॉर्म, सोशल मीडिया पे नई टर्मोलॉजीज आती हैं उनके फुल फॉर्म, यहाँ पे पहुँचता है। इंपॉर्टेंट किताबें जो लॉन्च होती हैं, बहुत सारे राइटर लिखते हैं, बहुत सारी सरकार की तरफ से होती हैं, उनसे पूछेगा। बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत सारी स्टेच्यूज होती हैं, उनसे प्रश्न पूछेगा, पुराना भी नया भी। और ऐसे ही करंट अफेयर्स तो आपका बाकी नेशनल और इंटरनेशनल सम्मिलित हो गया। अभी देखा जाए तो करंट अफेयर्स इसने नेशनल इंटरनेशनल में लिख के सब कुछ पूछ लिया। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, इस मामले में नहीं है कि आपसे करंट अफेयर्स में कि केवल नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट पूछेगा। नेशनल इंटरनेशनल के अंदर आपका आर्थिकी भी आ गया, आपकी योजनाएं भी आ गई, आपकी तमाम चीज़ें आ गई, वो आपका करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ गया, वास्ट है, केवल टॉपिक में बच जाइए। एक चीज़ अच्छी है इनके साथ कि इन्होंने क्या किया है कि सारे का डिवीज़न कर दिया है, यूपी पीसीएस के अन्य पेपर की तरह। जैसे अगर आप ऑर्डिनेट का पेपर दोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको पता ही नहीं रहता है कि इस बार इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछ लेगा, कि भूगोल से ज़्यादा प्रश्न पूछ लेगा, कि अर्थव्यवस्था से ज़्यादा पूछ लेगा, कि करंट ज़्यादा हो जाएगा, या फिर हो सकता है पर्यावरण और इनके भाग ज़्यादा पूछ ले जाए। जैसे डायनेमिक होता है, हर बार बदलता रहता है। समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो यूपी पीसीएस का जो अपर का पेपर होता है उसमें यूपी दो तीन सालों से, दो तीन बार से गायब हो चुका है, लेकिन आरओ में अपना स्थान बनाया हुआ है। तो ऐसे वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें पता नहीं होती, बट यहाँ पे क्योंकि चीज़ें पता हैं तो थोड़ा सा राह आपका ये आसान करता है जीएस के मामले में। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का हमारा एक बार पाठ्यक्रम देख लो, हिंदी में भी अगर आपको देखा जाए तो लगभग इसमें क्या किया है, आठ टॉपिक का जिक्र किया है। आठ टॉपिक में ये जो आपकी आठवीं टॉपिक है इसे हिंदी नहीं बोलेंगे, ये तो विविध है। निबंध का कोई छोटा दायरा ही नहीं है। निबंध की बात किया जाए तो यह सामान्य अध्ययन भी है, निबंध बात किया जाए तो आपकी लेखनी भी है, निबंध बात किया जाए तो आपकी वर्तनी भी है, निबंध बात किया जाए तो आपका व्याकरण भी है, निबंध आपकी अपनी समझ भी है, निबंध आपका अपना व्यक्तित्व भी है, निबंध आपकी अपनी मौलिकता भी है, निबंध सब कुछ है। हालांकि इसने एक अच्छा काम यह कर दिया कि केवल 25 अंक पूछ लिया। समीक्षा अधिकारी जैसे पेपर में देखोगे तो 120 अंक का निबंध होता है। अगर आप यूपीपीएससी की बात करोगे 100 नंबर का निबंध होता है। तो ऐसे ही क्या होते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, चीज़ें सेम है लेकिन आपका क्या है, मार्क्स कम हो गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल गया है। क्लियर हो रही है मेरी बात, एक बार यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो, तो हाँ एक बार जोरदार तरीके से हाँ करना, फिर मैं आगे समझाता हूँ। अब हमारे पास बचते हैं सात टॉपिक, इन सात टॉपिक में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्या है, शब्दकोश से संबंधित है, वोकैबुलरी से संबंधित है। जैसे आपका क्या हो गया, पर्यायवाची एवं विलोम, विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और बस ये तीन आपके पोषण ऐसे हैं जो क्या है, या आपके शब्दकोश से संबंधित है। तो शब्दकोश से संबंधित है तो हमारे पास जितना ज्यादा शब्दकोश होगा उतना ही बेहतरीन हमारी तैयारी होगी। अब हम शब्दकोश कहाँ से तैयार करें, शब्दकोश के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी रणनीति होनी चाहिए। क्या पहला मैं बोलूँगा वो पूर्वावलोकन, या ऐसे बोल दो घटना चक्र की जो आती है, ठीक है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, ठीक है, पूर्व अवलोकन जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, इसको मैं सीधा बोल दूं पी वाई क्यू बोल दूं, किताब कुछ भी हो जाए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और किसके, यूपीपीसीएस के, किसके, यूपीपीसीएस के, जैसे आपका अपर हो गया, ठीक है, आपका आरओ यारओ हो गया, बीओ हो गया, या फिर एपीओ वगैरह, ये सब पेपर होते हैं। यहां से आपको क्या करना है कि पहले एनालाइज करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद दूसरा जो आपको तैयार करना है वो कहां से तैयार करना है। दो किताबें मैं आपको बोलूंगा, एक पीएन पांडे जी की है और एक हरदेव बारी जी की, ठीक है, पीएन पांडे और हरदेव बारी जी की, ये दो किताबें आपको साथ में फॉलो करनी है। एक नहीं, सबसे पहले आप किसे पढ़ लो, पीएन पांडे को पढ़ लो, सबसे पहले पीएन पांडे को पढ़ लो। उसके बाद जब आप हरदेव भारी पढ़ोगे तो करीबन 95% 90% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ के वोकैब्स इसी में कवर हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा होगा आप इस किताब में पढ़ते जाओ और इस किताब में लिखते जाओ, एक अलग पेज में। आपका तरीका क्या होना चाहिए, एक अलग पन्ना उठाओ, जैसे एक बार ये किताब पढ़ ली, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, घबराना नहीं है, पूरी किताब नहीं। मैंने क्या बोला आपको, ये तीन टॉपिक, मुहावरे, विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द, और पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, ये दो किताब बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। इसमें आप एक किताब, आपको पहले पीएन पांडे अच्छी लग जाती है, आप पीएन पांडे से स्टार्ट कर लो, आपको हरदेव भारी अच्छी लग जाती है, हरदेव भारी से स्टार्ट कर लो। आप जब एक किताब पढ़ लो, एक किताब जब आप पढ़ लो तो आप दूसरी किताब उठाओ और साथ में एक पेपर भी लिख के लेते रख लो, फिर आप देखो कि ये वाला शब्द जो मुझे नया मिल रहा है उसे आप पेपर में क्या करो, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, ये नहीं कि पूरा गोद गाद लो बाद में समझ में ना आए। और फिर जब वो आपका वो पूरा सीट भर जाए, जितने भी नए शब्द मिले, तो आप क्या करो, आप इस वाले किताब के पन्ने के साथ चस्पा कर लो, वहां पे चिपका लो। जब ऐसा करने से आपको क्या होगा, जब आप इस किताब को रिवाइज करोगे तो इसमें भी जो बचे हुए थे वो भी आपकी इसी किताब में आ गए, और क्या करोगे, यहां से आपकी खुद की स्मरण शक्ति तो अच्छी होगी ही होगी, और आपका क्या हो जाएगा, एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। हम आपको अलग से तो इस पर प्रैक्टिस करवाते ही रहेंगे, इस पे आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड देंगे, लेकिन हम आपको नोट्स देंगे, किताब नहीं देंगे। नोट्स और किताब में अंतर ये है, किताब विस्तार है, नोट्स उनसे छांटा हुआ संकलन है। नोट्स जो हम आपको देंगे वो हम आपके कुछ जो इम्पॉर्टेंट PYQs हैं, जो इम्पॉर्टेंट पीएन पांडे से हैं, इम्पॉर्टेंट हरदेव भारी या अन्य ऐसी किताबें जो हमें लगता है कि इनमें से हो सकता है, हो सकता है कि इसको 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 मिला लो तो आपको तीनों मिला के इंडिविजुअली एक टॉपिक पे 1000 वर्ड मिल जाए। मैं नोट्स में आपको 100-150 ही दूंगा, क्यों, क्यों वो 100-150 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो रटे नोट्स, मतलब वो रटे होने चाहिए, और इस बात का भी पूरा प्रयास रहता है टीम का, और मैं आपको आश्वासन भी देता हूँ जो मैं 100 दूंगा उसमें से मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन मैं इस बात को अतिशयोक्ति में बिल्कुल नहीं बदलूंगा कि आप केवल नोट्स पढ़ो, क्योंकि अगर आप कोई अधीनस्थ का पेपर देने जा रहे होते या कोई ऐसे एग्जाम दिए जा रहे होते जिसकी प्रवृत्ति एक दिवसीय परीक्षा के प्रकार की होती, जिसका स्टैंडर्ड इतना हाई ना होता, जिसमें आपको गेस्टेड रैंक का अफसर न बनना होता, तो मैं आपको बोलता कि केवल नोट्स पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, थोड़ा बहुत PYQ कर लो। लेकिन यहाँ पे नहीं, मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा अवसर आप गवाओ, तो इन टॉपिक को इन किताब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरी, उसके बाद आता है कुछ जो है हमें जिन पे अभ्यास, अभ्यास तो ये भी मांगता है, बट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको हार्ड वर्क चाहिए, हार्ड वर्क। यहाँ पे तो आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क चाहिए। जितना जितना अच्छे से आप उसे क्या कर लेंगे, जितनी मेहनत डाल देंगे वो आपका उतना निखर आएगा। वो टॉपिक है आपकी संक्षेपण, पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन, और उसके बाद हिंदी निबंध। ये तीन टॉपिक आपके हैं, ये अभ्यास मांगते हैं, इसमें ज्ञान नहीं। संक्षेपण में कोई ज्ञान नहीं, संक्षेपण होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसे संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब कंसाइज फॉर्म में, मतलब आपको हो सकता है 1200 वर्ड का दिया जाए, आपको 250 से 300 वर्ड में वही बात लिखनी है, जो वो कहानी के रूप में लिखा है उसे आपको क्या करना है, ब्रीफिंग करनी है, उसमें से एब्रिस्ट करना है चीज़ों को, उसमें से छांटना है, और छांट के उसका संकलन करके 200-300 वर्ड में आपको लिखना है। जनरली संक्षेपण मतलब होता है दिए गए पैराग्राफ का एक तिहाई आलेख, और वो भी उसका क्या होना चाहिए, थीम होना चाहिए। और थीम मतलब ये नहीं कि केवल उसका पॉइंट बता दो कि सब्जेक्ट क्या है, उस वो आपका 1200
1200 शब्दों का कोई पैराग्राफ पढ़े और आपके 300 शब्दों का कोई पैराग्राफ पढ़े, 400 शब्दों का कोई पैराग्राफ पढ़े, तो दोनों से जानकारी जो मिले वो बराबर मिले। जानकारी क्या मिले? बराबर मिले। तो अब संक्षेपण मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे सर्वनाम काट दो, है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे विशेषण काट दो, क्रिया काट दो, केवल टॉपिक टेलीग्राम नहीं करना है। टेलीग्राम की लिखावट अलग होती है, संक्षेपण की लिखावट अलग होती है, इस बात को समझिएगा। तो ये आपको ऐसे एक दिन में नहीं आएगा, और ना ही ऐसा आएगा कि सपोज मैं आ जाऊँ या मेरा अध्यापक हिंदी के कोई अध्यापक आपके सामने आए, बोल दे बच्चा देखो संक्षेपण ऐसे लिखा जाता है और आपने सुन लिया और आप संक्षेपण नहीं आएगा। अब पहली बार लिखोगे आपका दिमाग में नहीं आएगा अरे यार हम इसे कैसे ब्रीफिंग करें। देखो ज़्यादा लिखना आसान है, कोई टॉपिक मैं आपको दे दूं तो ज़्यादा लिखना आसान है, लेकिन कोई टॉपिक मैं आपको दे दूं उस पर कम शब्दों में लिखो वो कठिन है। ठीक है, ज़्यादा शब्दों में जो दिमाग में विचार आ रहा है, दिमाग मतलब कि जिस एक शब्द होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या शब्द होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब कि आपके दिमाग में विचारों के क्या हो गए हैं, विचारों के एकदम बारम्बार एकदम बार आ गए हैं, है ना, इसमें बौछार आ गई है और वो विचार आप क्या करते हो कॉपी पे लिखते हुए चले जाते हो। वो आपके 1200-1500 का एक पैराग्राफ तो लिख सकते हो, नॉवेल नहीं लिखना है आपको, आपको संक्षिप्त करना है, उस ब्रेन स्टॉर्मिंग को अपने अपने कंट्रोल करना है। ये भी एक कला है जो आपको क्या आएगी, जो आपको अभ्यास से आए। ठीक है, पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन, इसका एक अपना मॉड्यूल होता है, इसका अपना एक मॉड्यूल होता है, आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के पत्र होते हैं, शासकीय अशासकीय कार्यालय पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनमें भी जो पत्र होते हैं या फिर जो सर्कुलर होते हैं परिपत्र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, उनके लिखने की विधि क्या होती है, फॉर्मेट क्या होता है, क्या कहाँ पे लिखें, महोदय लिखें या आज्ञा में लिखें, या क्या ऐसी चीज़ें नाम और पता लिखना है तो कहाँ पे लिखना है, दाहिने लिखें बाएं लिखें, पैराग्राफ में कितना गैप दें, ये बहुत सारी छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ी और उसका अभ्यास भी करना है, वो आपका पत्र लेखन में होगा। और निबंध के टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा, निबंध एक ऐसा विषय है कि अभी मैं बोलने लग जाऊँगा तो हो सकता है कि 1-1.5 घंटा आपका निबंध में मैं बोलते ही रह जाऊँ कि आपको करना क्या है, बट अभी निबंध को मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, बताऊँगा निबंध क्या है, थोड़ी इस क्लास में रुकेंगे। अब आता है एक अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश में ये कुछ नहीं है, इसमें कोई नॉलेज नहीं, कोई स्मार्ट वर्क नहीं, कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस, जितना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट क्लोजर टू योर सक्सेस, जितना आप अभ्यास कर लोगे उतनी ही सफलता के नज़दीक पहुंच जाओगे आप। तो ये आपका कुछ एकदम अलग से है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है, ये अपठित गद्यांश ऐसा है कि आपको गाड़ी चलाना सीखना है ना, जब आप गाड़ी चलाने के लिए स्टार्ट करते हो तो आपका दिमाग क्या होता है कि अरे यार कब क्लच लेना है, कब गियर शिफ्ट करना है, कब क्लच छोड़ना है, कितनी रफ्तार से छोड़ना है ना, तो ये तमाम प्रोसेस आप दिमाग से लगाते हो, क्या कहते हो दिमाग से लगाते हो जब आप सीखते हो, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आप बतिया रहे हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपके म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ भी कर लो और हाथ वगैरह सब कुछ आपस में चलता रहता है, इधर आप 2-व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, दोनों की बात कर लो, तो ये क्या है, ये आपकी अभ्यास में आ गया, क्योंकि आप वही काम रोज कर रहे हो, वो आपके सबकॉन्सियस माइंड में चला गया, कहाँ पे चला गया, सबकॉन्सियस माइंड में। तो अपठित गद्यांश को करना एक सबकॉन्सियस माइंड की कला होती है, इसलिए आप इसमें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तो फिर कहाँ लगा रहे, इसमें आपको दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल अभ्यास करना है, इसमें आप अभी दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, बच रही है ये टॉपिक, बच रही है ये टॉपिक, तो इन टॉपिक में हमारा 3 जो होगा वो हमारे कैसे होंगे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे, और 3 टॉपिक ऐसे होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या होंगे, अभ्यास करने वाले होंगे। तो आपका जो पूरा शेड्यूल बनाया गया, मॉड्यूल बनाया गया है, वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल और मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर आप GS का पाठ्यक्रम देखोगे, देख लो सभी लोग बहुत ध्यान से, इसको मैं आपके WhatsApp ग्रुप पे भी पहुंचा दूंगा, ठीक है, हाँ। अब मैंने आपको ये कहा क्या कि 3 विषय आपको पढ़ना है, भूगोल जिसमें डीपली पढ़ना है, और भूगोल में भी ज्यादा किसका, उत्तर प्रदेश का, ज्यादा किसका पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ना है। दूसरा क्या है, इतिहास, इतिहास आपको समग्र पढ़ना है, प्राचीन हो या मध्यकालीन हो या फिर आपको मॉडर्न इंडिया हो, तीनों आपको बराबर पढ़ना है। तीसरा क्या है, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, चलो पॉलिटी में देख रहा हूं,
और चौथा है आपका विज्ञान साइंस, ठीक है। चौथा आपका क्या है साइंस। इन चार विषयों को आपको पढ़ना है, तो जो आपको क्लासेस करनी है, अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं कोई प्लीज रेज योर हैंड या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कितने ऐसे बच्चे हो, ताकि मैं समझ पाऊं कि तैयारी भी कैसे करनी है। कितने ऐसे बच्चे हो ऐसे जो इन चारों विषय में से कोई भी विषय पढ़े नहीं हो, या कोई भी एक विषय जो पूरा पूरा आज तक नहीं पढ़ पाए, कभी मैथ्स के प्रश्नों में उलझे रहे, कभी रीजनिंग के प्रश्नों में उलझे रहे, कभी हिंदी को पढ़ने में बचे रहे, लेकिन जीएस कंप्लीट नहीं कर पाए, और खासकर ये कोर, ये ध्यान देना, अर्थव्यवस्था नहीं है आपके सिलेबस में, इकोनॉमिक्स नहीं है, ये थोड़ा सा डिमेरिट है, या ये मैं बोलूँगा पता नहीं आयोग ने अर्थव्यवस्था को हटाया क्यों, क्या वो चाहता है, और हो सकता है इस बार अगर थोड़ा सा पैटर्न बदले तो ये अर्थव्यवस्था आ भी जाए, बट अभी हम मान के चलेंगे कि क्योंकि यूपीपीसीएस ज़्यादा बदलता नहीं है पैटर्न, तो मान के चलेंगे अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा, उसकी भरपाई वो करंट अफेयर्स में करेगा, उसकी भरपाई कहाँ पे करेगा, करंट अफेयर्स में करेगा। हाँ, तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हो जो इन विषयों को, हाँ या ना, हो या ना हो, दोनों में दोनों जवाब देना, ताकि मुझे पता चले कि एक बार भी नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना, सब लोग पढ़े हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये सभी तैयार है, वेरी गुड। और भी कोई जिनके बिल्कुल ना तैयार हो भी बताना, है ना। जीरो कौन, जीरो तो कोई नहीं होगे मेरे ख्याल से, हो सकता है कोई कोई मिनिमम होगे तो 20-30% होगे, मैं मान के चलूँ, एवरेज बच्चे 40-50% तैयार होगा, और आप ही में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 70-80% भी तैयार होगा ये विषय, लेकिन मैं इस बात को बोलूँगा कि 100% तो किसी का नहीं तैयार होगा। अगर आपको लगता भी ये तैयार है तो ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन तो हमें करने को मांगता ही है ना। तो मैं मिनिमम 20% पे कैप लेके चल रहा हूँ, मिनिमम 20% पे, और मैक्सिमम 80% पे, ठीक है। 100% की हमें मेहनत करनी भी नहीं, और ये केवल चार विषय, तो इस कारण से मैं एक एवरेज लेके चलूं कि आपको वो नहीं पढ़ाना है कि आप जीरो, क्योंकि इस लेवल पे आए हो तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो ऑलरेडी कहीं सरकारी नौकरी ले रखे हो, या हो सकता है आप में से कहीं बहुत प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हो, बट अच्छी खासी आप सैलरी पा रहे होगे, आपकी लाइफ सेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप केवल अपनी जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, संख्या उनका भी होगा, जो जिनके पास अभी कोई पहली जॉब भी नहीं होगी, बट अधिकांश बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी पहली या दूसरी जॉब है, ये अपने भविष्य को, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इसमें आए हो, और ये बताता है कि आपकी ये सारी चीज़ें तैयार हैं। बट हम मान के चलेंगे कि हमें जो लेके चलना है वो 30-40% के ऊपर लेके चलना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि जो मैं बेसिक छोटी चीज़ें वो बताऊँगा नहीं, या हमारे टीचर से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, बट उस पर ज़्यादा जोर देंगे जो नहीं है, जो नहीं आते आपको, उस पर थोड़ा सा कम जोर देंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, या आप उसे टैकल कर लोगे, इस हिसाब का रह जाएगा। इसी कारण से जो आपकी क्लासेस हैं वो तीन विषय को पहले लेके चला जाएगा। तीन विषय कौन से, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और पॉलिटी को। ज्योग्राफी में क्योंकि दो पोर्शन है, एक यूपी और एक इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और सबसे अच्छी बात है कि इंडियन ज्योग्राफी से केवल चार क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा आपका यूपी की ज्योग्राफी पूछेगा। तो आपको ज़्यादा क्या पढ़ना है, आपको यूपी की ही ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में हम इस तरह से, मैं ही आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो आपका जैसे भारत की स्थिति एवं विस्तार से स्टार्ट करूँगा, है ना, या भारत के या पृथ्वी से मैं स्टार्ट करूँगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से स्टार्ट करूँगा, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास आपको पढ़ाऊँगा। ये थोड़ी बहुत आपको इंडियन ज्योग्राफी है तो थोड़ा सा आपको ये वर्ड वाला कम रहेगा, बट भारत की स्थिति, उसका विस्तार, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की सीमाएँ, ठीक है, जलमग्न क्षेत्र, ये सारी हो गई, भारत की नदियां हो गई, भारत की मिट्टी हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गए, दर्रे हो गए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद भारत के खनिज हो गए, खनिज संसाधन, इसके बाद क्या हो गया, भारत के जो आपके एनर्जी रिसोर्सेस हैं इनसे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और लास्ट में आपका थोड़ा बहुत सेंसस हो गया। ये आपकी टॉपिक है ज्योग्राफी में, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, मतलब अगर हम मृदा पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में इतना जान लेना बहुत ज़रूरी है बस, कि मृदा कितने प्रकार की होती है। लेकिन अगर पूछेगा कि मृदा कहाँ पाई जाती है तो वो उत्तर प्रदेश से पूछेगा,
नदियां उत्तर प्रदेश से पूछेगा। अब ऐसा नहीं है कि भारत की नदियों से भी प्रश्न पूछे और उत्तर प्रदेश की भी नदियों से पूछे, क्योंकि जो नदियां उत्तर प्रदेश में बह रही हैं वो अल्टीमेटली भारत में भी तो बह रही हैं, तो वो इस चीज से बचने का प्रयास करेगा। खनिज उत्तर प्रदेश से पूछेगा। अब उत्तर प्रदेश से मेले जो हैं, उत्तर प्रदेश के जो फेमस प्लेसेस हैं वो आपकी ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, वो स्टैटिक यूपी का पार्ट है। हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है? तो यूपी की जलवायु क्या है, यूपी का स्थिति क्या है, यूपी का मिट्टियाँ क्या हैं, यूपी की नदियां क्या हैं, यूपी के खनिज क्या हैं, ये 5-6 टॉपिक यूपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी सारी टॉपिक इससे जो हटके आती है वो कहाँ पे आ जाती है, वो आपके इंडिया में आती है। जैसे यूपी में अगर दर्रे की बात किया जाए तो यूपी में कोई दर्रा आपको ध्यान आ रहा है, कोई दर्रा है यूपी में? तो यूपी से दर्रेगा तो बनेगा नहीं, तो वो कहां से प्रश्न बनेगा, वो भारत के भूगोल से प्रश्न बनेगा, समझ रहे हो? तो ऐसे हम लोग ज्योग्राफी को, हाँ, बिल्कुल ठीक है अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। टाइम इज नॉट सुटेबल, देखिए टाइम का भी कोई, टाइम का बिल्कुल कोई मुझे नहीं बोलेगा, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये हम तीनों विषय लेके चलेंगे और उसके बाद हम सप्ताह के 3 दिन ऐसे विषय जिसको मैंने बोला है जिसमें आपको एक टीचर की सहायता पड़ेगी, जैसे पत्र लेखन हो गया, जैसे संक्षेपण हो गया और वाक्य शुद्धि अशुद्धि हो गया। ये 3 टॉपिक जिसमें टीचर की आवश्यकता है, उन 3 टॉपिक के लिए हमने सप्ताह के 3 दिन क्लास ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन संक्षेपण होगा, एक दिन आपका पत्र लेखन होगा, एक दिन आपका वर्तनी अशुद्धि होगी, नहीं। जब हम पढ़ेंगे तो पत्र लेखन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको उसमें नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी मांगता है, तो पहले आप नॉलेज कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस हम साथ में करते चलेंगे, ठीक है? तो आपको पत्र लेखन से स्टार्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपको संक्षेपण कराया जाएगा, उसके बाद आपको वाक्य शुद्धि अशुद्धि करवाया जाएगा। तो ये 3 दिन क्लास रहेगी और 3 दिन आपकी क्या रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है? 3 दिन क्या रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, और ये प्रैक्टिस उन टॉपिक्स की रहेंगी जिनको आपको शुरू से करते रहना है, ठीक है? तो ये क्लास के टाइम पे आपका इस हिसाब से चीजें चलेंगी। अब इसमें कुछ चीजें बचती हैं, जैसे जीए वाला पार्ट हमारा छूट रहा है, हमारा क्या छूट रहा है, ऐसे में हमारे कुछ पार्ट छूट रहे हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में बात करूंगा केवल किसकी, बुक्स की, मैं बुक्स की बात करूंगा। जनरल अवेयरनेस में बात करूंगा फेमस प्लेसेस की, प्लेसेस लिख दूं केवल स्थान लिख दूं, है ना, पर्सन्स की, बिल्डिंग्स की, जो आपके सिलेबस में दिया है, ये सारी चीजें आपका बच रहा है। तो इसके लिए एक अलग से सेशन वो पब्लिकली कर देंगे ताकि आप उसे अभ्यास करते हो यहां पे। हालांकि आपको मैं ऐप पे और डिस्क्रिप्टिव वे में भी, इसमें डिस्क्रिप्टिव का मतलब नहीं है, डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब हो गया कि ऐप पे आप उसे क्विज के फॉर्मेट में, जैसा आपकी परीक्षा में आएगा उस फॉर्म में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन इसके लिए अगर क्लास आप चाहते हो तो जनरल अवेयरनेस की क्लास आपकी 10 AM 10 AM पे या आधे घंटे की, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट की क्लास होगी, कि यार आप जब लाइव हो तो देख ले ज़्यादा बेटर है, नहीं भी लाइव होते तो इस क्लास को जरूर देख लो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे कवर होता चला जाए। बाकी इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका अलग से सेशन बीच बीच में आपको ये दिया जाएगा कि फेमस प्लेसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, बिल्डिंग्स में कौन कौन सी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कहाँ से आपके रिसोर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के टीचर आपको समझाएंगे। बट ये प्रैक्टिस, ये MCQs फॉर्म में आपका एक चलेगा, इसके अतिरिक्त हम आपका ऐप पे भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे इन टॉपिक्स की। तो स्टैटिक पार्ट देख लिया जाए और कन्वेंशनल पार्ट देख लिया जाए तो आपका पूरा जीएस क्या हो जाता है, यहां पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हमारा है, अब जो हमारा डिस्क्रिप्टिव और क्विज फॉर्मेट में मैं जिसे बात करूंगा, है ना, ये देखो, जैसे फेमस बुक और पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स ज्योग्राफी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। हो सकता है कि मंडे को, अब यहां पे मंडे है, मंडे में फेमस बुक का आपका क्विज हो, क्विज में हो सकता है 10 से 15 या 20 कोई क्वेश्चन, 10 15 20, ये चॉइस पे डिपेंड करेगी, उस टॉपिक से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कितने में करना है वो टीचर डिसाइड करेगा या फिर हमारी बैकएंड की टीम डिसाइड करेगी कि कितने क्वेश्चन आपको रखना है। अभी इसके लिए कुछ नहीं है, आप मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन एक क्विज में होंगे। तो एक टॉपिक आपकी कराई जाएगी फेमस बुक की और वहां पे आपको MCQ फॉर्मेट में कराया जाएगा, आपको ऐप पे इसका प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है, क्विज फॉर्मेट में, और उसकी आपको PDF भी डेली वाइज क्या इंपॉर्टेंट सारे इसी के आपको PDF डिस्क्रिप्टिव वे में उसके सॉल्यूशन के साथ, उसके हल के साथ आपको मिलती रहेगी। तो साथ में आप पहले क्विज दे लोगे, उसके बाद आप में जो गलतियां हुई है वो PDF में देख के उसे आप साथ में रिवाइज करते हुए चलोगे, रटते हुए चलोगे। हाँ, लाइव लाइव क्लास हो जाने के बाद में भी रिकॉर्डेड लगी रहेगी, आप देख सकते हो, उसकी भी चर्चा मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए।
अब किसी देखा जाएगा कि मान लो इससे मंडे को इसकी टॉपिक लगभग खत्म हो रही है, तो इसकी जगह पे आपका पॉलिटी के भी कुछ बीच बीच में करवाए जा सकते हैं, या पॉलिटी की क्लास चल रही है अब हमें ये जरूरत महसूस हो रही है कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे आपने भाग एक पढ़ लिया है, या आपने क्या पढ़ लिया है, आपने जो हमारा गठन हुआ है ना उसका आपने टॉपिक खत्म कर लिया है, या आप अनुच्छेद 1 से 52 तक पढ़ लिए हो, तो इस पे क्या किया जाएगा, यहाँ से इतने क्वेश्चन का आपका बीच बीच में पॉलिटी का क्विज करा दिया जाएगा। सिमिलरली आपका क्या कराया जाएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे में करंट अफेयर्स की क्विज होगी, और बीच जैसे पॉलिटी ऐसे बीच बीच में ज्योग्राफी, सपोज करो मैं भारत का स्थिति एवं विस्तार आपको पढ़ा चुका हूँ तो भारत की स्थिति एवं विस्तार से आपको मैं क्विज करवा लूंगा और उसके PDF भी आपको दे दूंगा। सिमिलरली आपका वेडनेसडे को स्पोर्ट्स होगा और साथ में हिस्ट्री होगा, फिर आपका इंपॉर्टेंट सिटीज, मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स होंगे, आपका फ्राइडे में एब्रिविएशन का, इसे आप फुल फॉर्म समझो, जिन बच्चों को नहीं समझ रहा टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है फुल फॉर्म। जैसे मैं आपसे पूछूं CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैं बोलूंगा ATM का, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, यही तो होता है। तो ऐसे ही आपका फुल फॉर्म होगा, ठीक है, क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। ये कोई, ये किसी आपसे क्या हो सकता है, किसी योजना का भी हो सकता है, किसी योजना से भी संबंधित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे को साइंस या फिर आपके मैथ्स, ये भी आपका चलता रहेगा साथ में, ठीक है। मैथ्स की क्लास की बात किया जाए तो मैथ्स में जैसे अरिथमेटिक के, इसमें क्या किया जाएगा, अरिथमेटिक का अभी इनिशियल में आपको क्या करूंगा, मैं कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस पहले से ही मैं दे दूंगा, क्योंकि इसमें अलग से मेरा ज्यादा प्रयास रहेगा कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा लोड ना दिया जाए, क्योंकि अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन में करने में दिक्कत नहीं आएगी, या फिर इस पर बहुत ज्यादा समय देना एक मूर्खता है, क्योंकि इससे ना आपको निबंध में मदद मिलने वाली है, ना ही आपको किसी में मदद मिलने वाली है। तो इसमें क्या किया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास अरिथमेटिक की दे दिया जाएगा। इसकी जो प्रैक्टिस है वो 11 AM पे YouTube पे ही करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सुविधा अनुसार है कि अगर आप क्लास करना चाहते हो तो 11 AM वाली क्लास में रह सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जब आप बाद में समय मिले तब कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पे है। आपको अगर मैथ्स आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आज़ादी दूंगा कि आप थोड़ा सा अपने रणनीति बनाओ, कि अगर साउंड अच्छा है, मतलब 10 में से 10 अगर आप थोड़ा भी लास्ट में प्रैक्टिस कर लोगे, 7-8 क्वेश्चन डुएबल हैं, 7-8 क्वेश्चन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ है, सेलेक्शन लेने में मैथ्स बड़ा रोल प्ले करेगा, इसमें जिस बच्चे का 10 में 10 सही होगा उसका सिलेक्शन भी कंफर्म होगा, ये बात भी समझना, ठीक है। तो ये मैथ्स का हो गया, और साइंस की जब आपकी पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री कि इनमें से कोई भी क्लास खत्म होती है, तुरंत ही आपका साइंस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। साइंस के भी 3 अलग अलग पार्ट है, तीनों पार्ट को अच्छे से कवर कराया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, जो इसके लिए सबसे ज्यादा आप परेशान हो वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव हिंदी। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, हम हाइब्रिड बैच चला रहे हैं, मतलब इस बैच में आपको क्लासेस कम और प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई जाएगी। मतलब अगर मैं पूरी तैयारी को 100% में तोड़ूं, अगर मैं आपकी पूरी तैयारी को 100% में तोड़ूं, समझने का प्रयास करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरी तैयारी को मैं अगर 100% में तोड़ूं तो 100% में आपको करीबन 70% मेहनत किस पे करनी है, PDF या प्रैक्टिस फॉर्म में करनी है, और आपको 30% मेहनत किस में करनी है, केवल क्लास के फॉर्म में करनी है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें आपका ज़्यादा क्लास करना जरूरी नहीं है, ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, और मॉड्यूल भी आपका कुछ ऐसे ही बनाया गया है, जैसे ये पार्ट भी आपका प्रैक्टिस की पार्ट है, ये पार्ट भी आपका प्रैक्टिस का पार्ट है, और जो आपके MCQs करेंगे वो भी प्रैक्टिस का ही पार्ट है, और वेट भी इस पर ज़्यादा दिया जाएगा। क्लासेस तो आपकी चलती रहेंगी, आप उन क्लास को बस करते चलो, बस काम खत्म, ठीक है। इसमें वो भी केवल कोर सब्जेक्ट की क्लासेस, ठीक है। अब आते हैं इसमें, मंडे को पर्यायवाची तथा विलोम का आपको क्या किया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा। टारगेट में क्या होगा, जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं, जैसे 5 क्वेश्चन पर्यायवाची और विलोम के होंगे, आप देख सकते हो पर्यायवाची विलोम के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें 5 अंक के लिए 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो 5 अंक ऐसा है कि बस उसका उत्तर दे देना, नहीं, आपको एक शब्द दिया जाएगा लोकोक्ति मुहावरे में से, आपको उसकी क्या करनी है, व्याख्या लिखना होगा और उसका प्रयोग भी लिखना होगा 2 लाइन में, और वो अपनी कॉपी में लिखना होगा 1 पेज में, ठीक है। उस पेज में लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसकी फोटो खींचोगे, अगर उसे PDF में आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं PDF में बनाना आता है तो कोई बात नहीं, 5 प्रश्न मेरे ख्याल से 1 इमेज में आपका आ जाएगा, उसको फोटो खींच लोगे, और वो फोटो आप रखे रहोगे, कब तक रखे रहोगे, उसी दिन मंडे को शाम के 6 PM तक, 11 बजे आपको दिया जाएगा, 11 बजे आपको वो टारगेट दिया जाएगा,
11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जब भी आपको मौका मिले अन्य विषयों के बाद, तब आप उसका खुद से लिखोगे। और लिखने का मतलब ये नहीं कि आप किस सामने किताब रख लिए और किताब से देख के लिख लिया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप किताब से खुद ही पढ़ सकते हो, समय आपने पैसा क्यों दिया है। नहीं, आपको अभ्यास अगर मैं करा रहा हूँ तो आपको आप सारे टीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसा वो आपको चलाएं वो आपको चलना पड़ेगा। ये आपको आश्वासन मैं कराता हूँ कि अगर आप इस हिसाब से चले तो आपका सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपको टारगेट दिया जाएगा, टारगेट देने के बाद आपको लिखना होगा। शाम को 6 बजे व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया जाएगा, कि वैसे आप लोग उसमें मैसेज नहीं भेज पाओगे, लेकिन 6 बजे आपको सूचित किया जाएगा, ग्रुप खोल दिया जाएगा, आप अपनी कॉपी कर दीजिए। उसमें आपको कोई अनर्गल बातें नहीं लिखनी है, केवल अपनी कॉपी क्या करना है, कॉपी में ऊपर अपना नाम लिखना, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मत लिखना ताकि पब्लिकली ना हो, कोई बात नहीं, आप केवल अपना नाम लिखना और ईमेल लिख देना, ठीक। तो आपके नाम से वो कॉपी क्या होगी, वो कॉपी आपकी चेक होगी। कॉपी हमारी जो फैकल्टी है, हमारी जो टीम है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उस कॉपी को आपको देखेंगे सही है या गलत है, रिमार्क करेंगे। और उसकी एक, जब आपके ऐसे 20 25 30 क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपके उसके क्या होंगे, एक सॉल्यूशन के तर्ज पे ये होगा, और आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कहाँ पे क्या किया है, वो आपको बताया जाएगा। बीच में कभी ग्रुप खोला जाता है तो भी उस पर जिक्र किया जाएगा, या बीच में कभी भी सेशन लगाया जा सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं तो आपको वो सेशन लिया जाएगा और उसकी सूचना आपको पहले से दे दी जाएगी। सिमिलरली आपका मुहावरे लोकोक्तियों में, सिमिलरली आपका वाक्यों के शुद्धिकरण में, 5 आपके पर्यायवाची विलोम के तो 5 ही, 10 आपके मुहावरे लोग तो 10 ही है। ऐसे ही वाक्यों का शुद्धिकरण ऐसे दिया जाएगा, विभिन्न शब्दों का एक शब्द दिया जाएगा, पत्र लेखन दिया जाएगा, और हिंदी और निबंध भी दिया जाएगा। हिंदी निबंध में अभी सैटरडे को हम लोग थोड़ा सा रोक के चलेंगे, ये आपको शेड्यूल में दिया तो गया है, लेकिन अभी सैटरडे को हिंदी निबंध नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अभी से ही निबंध कराया जाने लग जाएंगे तो आप लोग हो जाएंगे परेशान। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप जो उधर क्लास करोगे, जब तक क्लास रहेगी तब तक आप उससे सैटरडे में रिवाइज करना, सैटरडे में आपको कोई टारगेट नहीं देगा, क्योंकि निबंध लिखना आपको कम से कम भले ही यहाँ पे 400 से 600 शब्दों का होगा, तो मान के चलिए 500 शब्द लेके चलो, 500 शब्द का निबंध भी अगर आपको लिखना होगा तो ढाई दो ढाई घंटे आराम से, 1 1.5 घंटे चले जाएंगे इनिशियल में। तो इस बात को अभी ध्यान में रखते हुए कि आपको एक वार्म अप भी कराते चलना है, इसको रोका जाएगा, लेकिन पत्र लेखन की आपकी प्रैक्टिस शुरुआत कर दी जाएगी। नहीं कुछ तो ऐसे प्रश्नों की, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस पत्र में क्या समस्या होती है, इस पत्र को क्या लिखा जाता है, इस पत्र को क्या कहा जाता है, अगर ऐसा है तो इस पत्र को क्या कहेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों के आपसे क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो ये आपका मॉड्यूल है, टाइम आप नोट कर लो, मंडे से लेके सैटरडे तक आपकी सारी चीज़ें चलनी है, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त अब आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हो। कुछ पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं पहले, अगर आपकी लाइव क्लास अगर छूट जाती है तो इसकी रिकॉर्डेड क्या रहेगी, वहां पे रिकॉर्डेड ऐप में ही लगी रहेगी, आप इसे कई बार देख सकते हो, इसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। स्पीड 2 3 और 4 की दिया गया है, 1 × 2 × 3 × 4 और पॉइंट में भी दिया गया है, मतलब 4 गुना की स्पीड में देख सकते हो। लेकिन अगर 4 गुना की स्पीड में देखोगे तो हवा की तरह टीचर के मुंह से निकले हुए शब्द आपके ऊपर से उड़ते हुए चले जाएंगे, आप सही से उसे सुन भी नहीं पाओगे कि टीचर ने बोला क्या। तो मेरा सजेशन है कि बहुत जल्दबाजी तो मत मचाइएगा, लेकिन फिर भी चलो आप अपनी सुविधा के अनुसार मैक्सिमम 2 की स्पीड में देख सकते हो, 2 2.5 3 मत लगाना कभी, स्पीड में आपको फिर भी सुविधा दे दी गई है। इसके अतिरिक्त आपकी जो क्लास ये होंगी, टारगेट जो दिया जाएगा, टारगेट का समय 11 AM होगा, 11 AM से लेकर 12 दोपहर 12 बजे तक कभी भी दिया सकता है। 5 10 मिनट में आप लोग आफत मत करना कि सर आया नहीं, आया नहीं टारगेट, वो आपको बताया जाएगा जैसे भी सूचना होगी, ठीक है। उसके बाद 6 बजे आपका ग्रुप खुलेगा, 6 PM पे व्हाट्सएप ग्रुप खुलेगा, 6 PM पे व्हाट्सएप ग्रुप खुलेगा, और यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, कॉपी क्या होगा, सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके बारे में रिमार्क्स वगैरह हो सकता है कि ग्रुप पे ही आपको रिमार्क्स दे दिया जाए, जैसे भी होगा उस प्रकार से, हम अभी इसके लिए कोई वो नहीं कह रहे, पहले से ही बोल रहे कि आपको ग्रुप पे ही देंगे या वीडियो के माध्यम से करेंगे या डेली करेंगे, नहीं, जैसा हमें आवश्यकता महसूस होगी, जैसे उचित लगेगा वैसे हम आपको आपका रिमार्क देते रहेंगे। हो सकता है कॉपी चेक करके रिमार्क करके आपको उसी को कॉपी ही सेंड कर दिया जाए, तो वो जैसे भी हमें सुविधा होगी वैसे हम आपको कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्लासेस सोमवार से लेके शनिवार तक है, रविवार को आपकी कोई क्लासेस नहीं होगी, हो सकता है बीच में कोई टेस्ट वगैरह हो तो आपको रविवार में करा लिया जाए। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई प्रश्न किसी का बताओ, 2 मिनट दे रहा हूँ, किसी का कोई प्रश्न, ये आपको अभी मैं PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भिजवा दूंगा। तो अब मैंने आपको ये कोर्स कैसे संचालित होगा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कल जो आपका होगा,
कल से ही जो क्लासेस का टाइम है वो पहले आपका देख रहे होगा, हिस्ट्री लगा होगा, है ना? हाँ हिस्ट्री लगा है। 1 PM पे कल से आपकी हिस्ट्री चलेगी, 1 PM पे हिस्ट्री। अभी अभी सर इस वीक में केवल आपको सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी तो मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा, फिर भी जब मैं अगले वीक में स्टार्ट करूँगा तब आपको बता दूंगा। और पॉलिटी आपका कल मेरे ख्याल से थर्सडे है, आज थर्सडे है ना, कल कल फ्राइडे है, फ्राइडे में हिस्ट्री हो जाएगा, सैटरडे में पॉलिटी हो जाएगा, फिर हम लोग मंडे से आपका कोर्स एकदम कॉन्सेप्ट आना शुरू कर देंगे, ठीक है? हिंदी में मैं अभी एक पत्र लेखन की वीडियो आपकी इन बिटवीन, उस दिन क्लास होने वाली थी तो मैं लाइव नहीं करवाया उस क्लास को, है ना, पत्र लेखन की लाइव नहीं करवा पाया था। और लाइव नहीं करवाया था उसका कारण भी ये था क्योंकि आपको अभी मैं सूचित ही नहीं कर पाया था, 1 जून से आपकी क्लास चल रही थी बट किन्हीं कारणों से आप तक उससे पहले इन्फॉर्मेशन गई नहीं, तो उस क्लास को मैंने लाइव ना करवा के रिकॉर्डेड करवा लिया ताकि जब बच्चे बच्चों को मैं बता दूंगा क्या होगा तो उनके बीच में जो उहापोह की स्थिति नहीं रहेगी, तब आराम से देख सकते हैं, तो ये आपकी लाइव ही समझो। बट सर ने अभी कल परसों में जब क्लास लगी थी तभी रिकॉर्ड हुआ है तो आपको रिकॉर्ड लगा देगा, बाकी फिर जब आपका नया सेशन स्टार्ट होगा तब से लाइव ही चलेगी, तो इस क्लास को आप देख लीजिएगा। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। क्या क्लास, क्या लाइव क्लास, क्या क्लासेस बाद में ऐप पर अवेलेबल रहेंगी? अवेलेबल रहेंगे प्रशांत जी, पढ़ चुके हैं डीप लेवल पर, ठीक है। टाइम इज़ नॉट सुटेबल, टाइम अपने हिसाब से, जब रिकॉर्डेड में रहेगी तो टाइम अपने हिसाब से आप कर लीजिए, मेरे ख्याल से टाइम का कोई इशू का इशू नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव में भी सुबह 11 से लेकर आपको शाम के 6 बजे तक समय दिया जा रहा है, उसमें भी कोई टाइम का इशू नहीं है। 7 बजे की क्विज है, 7 बजे सब लोग समय निकाल, कोई वर्किंग हो तो भी 7 बजे घर आ जाते हो, और नहीं हो तो 7 बजे घर रहते ही हो, 7 बजे आपको समय लगा के निकाल के ये क्विज वाला फॉर्मेट करना ही है। ये 7 बजे के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इस पर सभी लोग फ्री होते हो, थोड़ा बाहर पे चौराहे पे निकलना, कॉर्नर पे जाना और चाय पीना और सुट्टा पीना, ये थोड़ा कम कर दोगे तो 7 बजे का समय निकल आएगा, ठीक है? चलो तो चलिए, बाकी कोई समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़े एडमिन से आप अपनी समस्या को रख सकते हो और वहां पे आपकी समस्या का पूर्ण रूप से निदान किया जाएगा। तो परेशान नहीं होने, बहुत विधि तरीके से चीजें चलनी है। एक बार जब आपका वार्म अप हो जाएगा, जब आप इसमें अभ्यास में आ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। अभी लगता अभी हो सकता है कि लग रहा हो कि पता नहीं यार क्या हो, कैसे हो, कैसे हम तैयारी करेंगे, स्टार्ट कहाँ भी नहीं किए हैं, पता नहीं कब होगा, तो सब कुछ हो जाएगा आपको, एक एक चीज परेशान नहीं होने। हाँ आसिफ जी बताएं, हेलो बताएं। चलो मैं अगली क्लास 4 बजे से, 4 मिनट लेट हो चुका है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, क्लास में मिलूंगा, धन्यवाद।